रायबरेली में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत शहीद स्मारक में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सफाई अभियान चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 1 घंटे तक श्रमदान किया गया। प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला व दिनेश प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में हर गांव, हर वार्ड, तहसील, जिले में स्वच्छता का एक अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जन भागीदारी के साथ सभी लोग इस कार्य को कर रहे हैं। बेहतर होगा कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम अपने घर से करें। कलेक्ट्रेट मेरा घर भी है और सभी लोगों का आने का एक प्रमुख स्थान है। पूरे जनपद के लोग यहाँ पर आते हैं। ओपन स्पेस को हम क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे तो उसका प्रभाव पूरे जनपद पर पड़ेगा। उसी क्रम में कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी कलेक्ट के सामान्य परिसर को साफ कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट अंदर से तो साफ है, रेगुलर हम सभी लोग सफाई करते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगह जैसे सड़क, फुटपाथ, पार्क, उनकी सफाई के विशेष अभियान आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने चलाया है। निश्चित तौर पर सफाई होगी, स्वच्छता लोगों के जीवनचर्य में शामिल होगी। पहले की तुलना में अब स्वच्छता बेहतर हो गई है। उत्तर प्रदेश के सभी गांव ODF हो गए हैं। देखिए, स्वच्छता अभियान था और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और सभी जगह नोडल नियुक्त किए गए हैं और सभी लोगों, प्रभारी मंत्रियों को अपने जनपद में जाना है सफाई के लिए। ये एक सिंबॉलिक है, यहाँ के जिलाधिकारी भी हैं, एरिया में SDF साहब भी हैं। ये सिंबॉलिक है कि हम सभी लोग सफाई करके अपने देश को स्वच्छ बनाएं। महात्मा गांधी की कल जन्मदिन है, जिसके अवसर पर जन्म जयंती का कार्यक्रम है, तो आज से ही हम उस कार्यक्रम को पूर्व संध्या पर प्रारंभ कर रहे हैं। और ये स्वच्छता शरीर की और जगह के लिए मन की भी होनी चाहिए। हम किसी के प्रति मैल न रखें, देश न रखें, सबके प्रति एक समान व्यवहार रखें, ऊंच नीच का भेद खत्म करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि यह देश स्वच्छ हो और स्वस्थ रहे, जिसके क्रम में पूरे देश में आज ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और सब लोग मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या दलीय राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, व्यापार मंडल हो, अधिवक्ता हो, चिकित्सक हो, DM हो, SP हो, सीनियर और सीनियर ऑफिसर हो, सब लोग मिलकर के एक स्वस्थ भारत को बनाने में, देश के प्रधानमंत्री जी के सपनों और संकल्पों को पूरा करने में पूरा देश एकजुट हो चुका है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।